धरती के विषय में किसी फरिश्ते ने बहुत कुछ सुन रखा था और एक दिन धरती और मानव को देखने वो इस धराधाम पर उतरा। हर चीज ने उसे आश्चर्यचकित किया, यहाँ का सूरज, यहाँ का चंद्रमा, यहाँ के झील झरने, यहाँ की नदियाँ, सब कुछ, यहाँ के पर्वत तृप्त हो गया। एक दिन की छुट्टी उसने मांगी थी। मनुष्य को देखा, मनुष्य के हृदय में जो संगीत है उसको सुना, उसकी चेतना में जो गीत है उसको सुना, और वो फरिश्ता बहुत खुश हुआ। शाम हो गई, घर जाने का समय था, और जाते जाते उसने सोचा क्यों ना अंतिम प्रस्थान से पहले किसी को कुछ दे कर जाऊं। और जब उसने सोचा ही था तो देखा सामने से चार व्यक्ति आ रहे हैं, और संयोग से और संजोग से वो चारों ही आध्यात्मिक साधक थे। वो फरिश्ता उनके सम्मुख प्रकट होता है और कहता है कि मैं कुछ देना चाहता हूं, आपकी जो इच्छा है वो मांगो। पहला मनुष्य, पहला साधक कहता है, जब से ईश्वर के मार्ग पर चला हूं और जब से ईश्वर की खोज कर रहा हूं, तब से जीवन में बस एक ही चीज है, संघर्ष, संघर्ष और संघर्ष। मुझे शांति चाहिए। फरिश्ता कहता है, पर क्या संघर्ष ही जीवन नहीं? क्या जीवन का ही एक नाम संघर्ष नहीं? वो कहता है, नहीं, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, अगर तुम कुछ देना चाहते हो तो मुझे परम शांति दो। फरिश्ता कहता है, तथास्तु। और दूर किसी वन में, घास में, वो व्यक्ति एक गाय बन जाता है, एकदम शांत, घास चरता वो। फरिश्ता दूसरे व्यक्ति की ओर देखता है और उसको पूछता है, तुम्हें क्या चाहिए? वो कहता है, मैं कितना वासनाओं से और इच्छाओं से और तृष्णाओं से और काम से भरा हुआ हूं, मुझे एकदम पवित्र बना दो, संपूर्ण पवित्र। फरिश्ता कहता है, पर क्या इन्हीं इच्छाओं से, इन्हीं वासनाओं से लड़ते लड़ते ही तुम्हें उस पवित्रता की अवस्था को नहीं पाना? वो व्यक्ति कहता है, नहीं, मुझे अभी पवित्र बनना है। फरिश्ता कहता है, तथास्तु। और एक भव्य मंदिर की संगमरमर की वो मूर्ति बन जाता है, एकदम प्योर। वो फरिश्ता तीसरे व्यक्ति की ओर देखता है, कहता है, तुम्हें क्या चाहिए? वो कहता है, परफेक्शन। परंतु वो फरिश्ता कहता है, परंतु परफेक्शन तो एक मंजिल है, तुम्हें प्रयत्न से पानी है। वो कहता है, नहीं, मुझे अभी के अभी परफेक्ट बना दो, एब्सोल्युटली परफेक्ट। और अगले क्षण वो गायब हो जाता है, क्योंकि इस संसार में परफेक्ट वस्तु कुछ है ही नहीं। अब फरिश्ता जरा सा उदास हो गया है, मनुष्य की जो उसने महिमा सुनी थी उस महिमा को थोड़ी सी ठेस पहुंची है। और चौथे व्यक्ति की तरफ वो फरिश्ता देखता है और कहता है, तुम्हें क्या चाहिए? वो कहता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, नथिंग एट ऑल। वो फरिश्ता कहता है, कुछ भी नहीं? कहता है, कुछ नहीं, मैं जो हूं वही मनुष्य रहना चाहता हूं। वो फरिश्ता खुश हो जाता है,
उसको गले लगाता है और वो व्यक्ति नाचता हुआ और गाता हुआ और झूमता हुआ अपनी मस्ती में मगन वहां से निकल जाता है। योगी की ये परिभाषा है, उसे कुछ भी नहीं चाहिए। वांट जितनी कम, सुख उतना ज्यादा। चाहनाएं जितनी अधिक, सुख उतना कम। कहानी यही नहीं रुकती, फरिश्ता वापस पहुंचता है भगवान के पास। भगवान कहता है तुम्हें इतनी लेट क्यों हो गया। वो आप बीती सुनाता है और फिर भगवान उस फरिश्ते से कहते हो, अब मैं तुमको पूछता हूं, तुम्हारी कोई इच्छा है क्या, तुम कुछ बनना चाहते हो क्या? और वो फरिश्ता कहता है हां, मुझे वो चौथा वाला मनुष्य बना दो धरती पर भेजकर। और वो धरती पर आ जाता है। योगी वो जो फरिश्ता भी चाहे कि हम उस जैसा बने, जो देवताएं भी ईर्ष्या करें कि हमें भी ऐसा बनना है। तो मनुष्य इतिहास में सर्वोच्च पद पाने वाला, सर्वोच्च स्थिति को उपलब्ध करने वाला, मनुष्य चेतना की सर्वोत्तम, सर्वोच्च जो शिखर है, वो है आदि देव, वो है आदि ब्रह्मा। उसने जो कुछ किया अपने पुरुषार्थ से किया। वो संपूर्ण इसलिए नहीं बना कि उसमें भगवान आए, वो संपूर्ण तब बना उस समय जब भगवान उसमें नहीं है और वो पुरुषार्थ कर रहा है। उसका भी अपना एक संघर्ष है, उसका भी अपना एक, उसकी भी अपनी एक यात्रा है। वो भी अपनी यात्रा कर रहा है और उस यात्रा को करते करते करते, पुरुषार्थ से प्रेम करते करते और अपनी कमियों को निकालते निकालते, उसने संपूर्ण अवस्था को पाया। तो आज की मुरली कौन से दिन पर है? 18 जनवरी 1991। कौन सा साल चालू है ये? कौन सा साल चालू है 91? विश्व धरातल पर क्या हो रहा है? कुछ तो बहुत महत्वपूर्ण हो रहा है, ऐसा महत्वपूर्ण जो कि शायद विश्व इतिहास में पहली बार टीवी पर प्रसारित हो रहा है। एक एक घटना का प्रसारण, इतना लाइव टेलीकास्ट आज तक कोई घटना का नहीं हुआ जितना उस समय हुआ, और उसकी चर्चा पूरी मुरली में है। कौन सी घटना थी? गल्फ वॉर, कुवैत वॉर, इराक वॉर, अगस्त में चालू हुआ 90 में, फरवरी तक चला 91 तक। मुरली है 18 जनवरी की और ये एक ऐसा वॉर था, टीवी पर लाइव टेलीकास्ट, कहां मिसाइल गिरा, कहां बॉम्ब गिरा, कब क्या हुआ, एक एक दिन का लाइव टेलीकास्ट, सबसे ज्यादा व्यूअरशिप, सारी दुनिया देख रही थी। और वॉर भी इतना खतरनाक था, इराक एक तरफ और 35 देश एक तरफ, जॉर्ज बुश, सद्दाम हुसैन, क्योंकि इराक ने कुवैत पर कब्जा कर लिया, इसे कुवैत वॉर भी कहते हैं, गल्फ वॉर भी कहते हैं, पर्शियन वॉर भी कहते हैं। तो विश्व में ऐसी हलचल चालू है। अब तक वॉर हुए पर उनका टीवी पर प्रसारण नहीं हुआ, ये वॉर था जिसका लाइव टेलीकास्ट चालू था, एक एक दिन की घटना का।
इसके लिए सारे विश्व में क्या थी हलचल। और ऐसे समय पर ये मुरली चल रही है, इसलिए इस मुरली में एक विशेष संदेश भी है बाबा का। सेवा केंद्रों पर क्या करो, तपस्या भट्टी। क्यों करो? क्योंकि आत्माएं अशांत है, प्रेयर कर रही है, तुम शांति की किरणें फैलाओ, ये सहयोग दो विश्व को। तो क्या कहा आज की मुरली में बाबा ने, कौन किसको देख रहा है, समर्थ किसको देख रहा है, स्मृति स्वरूप बच्चों को। स्मृति के पांच अर्थ बताए हैं, या काम जो स्मृति के साथ करना है। पहला, अपनी स्मृतियों को रिवाइज करो। ब्रह्मा को याद करते हो, पर ब्रह्मा ने जिन चीजों की याद दिलाई उनको भी याद करो। तो पहला काम रिवीजन, और ये फाउंडेशन है। अगर रिवाइज ही नहीं करो तो आगे का काम नहीं होगा। इसके लिए ब्राह्मण जीवन की जितनी स्मृतियां है, बाबा ने कहा लिस्ट बनाओ, नाम रूप गुण कर्तव्य देश, इन पांच चीजों से बाप का परिचय देते हो। अब वैसे ही स्वयं का परिचय, नाम क्या है मेरा, क्या क्या नाम है, रूप कौन कौन से है, गुण कौन कौन से है, कर्तव्य कौन कौन से है, देश। तो सबसे पहला काम भक्ति में है सिमरन, ज्ञान में है स्मृति, भक्ति में है समा जाना, समाना, ज्ञान में है समान, भक्ति में है ब्रह्मा अतीत है, ज्ञान में ब्रह्मा वर्तमान। वो कहते हैं ब्रह्मा हो गया, उसने ये किया, ऐसा किया, वैसा किया, हम क्या कहते हैं, वो साथ है। ब्राह्मणों के लिए ब्रह्मा प्रेजेंट टेंस है, संसार के लिए ब्रह्मा पास्ट टेंस है, वो अब है, और अंत तक ब्राह्मणों की पालना ब्रह्मा से ही होगी, ब्रह्मा ही निमित्त है। इसलिए नाम है ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी। तो सबसे पहला स्मृति के साथ क्या काम करना है, रिविजन, याद करना है, कौन मिला, क्या मिला, अपने ही नाम याद करना है बैठकर, मैं कौन, नाम रूप, मेरा रूप क्या, मेरे गुण क्या, मेरे कर्तव्य क्या, मेरा देश कौन सा। ये हमारे रहने का स्थान नहीं है, हमारे रहने का समय यहां का पूरा हो चुका है, इस संसार में है परंतु यहां जैसे नहीं है, निमित्त मात्र कर्तव्य कर रहे हैं परंतु अंदर से अनासक्त है, डिटैच्ड। दूसरा, रियलाइज, स्मृति अर्थात रियलाइजेशन, स्मृति अर्थात अनुभव, स्मृति अर्थात अनुभूति। केवल रिपीट नहीं करना है, केवल रिवाइज नहीं करना है, परंतु उसके आगे की स्टेप क्या है, अनुभव। नूर रतन अर्थात क्या, बाप के नैनों का नूर, कितना महत्वपूर्ण हो, हम स्टेज पर है, सारे विश्व की नजर हम पर है। आगे कहा है ना, चैतन्य चित्र हो तुम, कौन हो, चैतन्य चित्र, अनुभव। और अनुभव अगर चाहिए तो अनुभव बलिदान मांगता है, त्याग मांगता है। भोग विलास में डूबा हुआ व्यक्ति अनुभव नहीं कर सकता, क्योंकि भोग विलास ज्ञान का शत्रु है। जिसका शरीर संयमित है, इंद्रिय संयमित है, आंखें, जिह्वा, कान, त्वचा, सारी इंद्रियों को, मुरली में कहा ना मास्टर सर्वशक्तिवान हो, ऑर्डर करो सीट पर बैठकर, अनुभव।
क्या क्या बाधा है अनुभव में, उस एक एक बाधा को अपने मार्ग से हटा देना है। यदि व्यर्थ है तो उस व्यर्थ को, यदि कोई विकार है, यदि कोई संबंध है, यदि कोई बंधन है, यदि कोई व्यक्ति है, जो भी है हमारे और भगवान के बीच में, उसको क्या कर दो, उखाड़ कर फेंक दो। वो कितना ही अच्छा क्यों ना, पर उस समय हमारे लिए वो माया है और माया से सीखना है। एक बार अगर हार हो जाती है, एक बार यदि जीत हो जाती है माया से, तो अगली बार व्यक्ति थोड़ा कम सावधान रहता है। उसको लगता है इसको मैं तो पिछली बार जीता था, इस बार सहज जीत लूंगा, और बिना अस्त्र शस्त्र के चला जाता है मैदान में, क्योंकि उस जीत को भी बहुत समय हो गया है, बीच में गैप आ गया है, और सोचता है या भूल ही जाता है कि मैंने जीता था, या ये भी भूल जाता है कि ये भी माया है, और फिर से उसी माया में प्रवेश करता है और वहां फिर पराजित होता है। पूरा पराजित तो नहीं, परंतु संकल्प जरूर चलते हैं। इसके लिए निरंतर सतत प्रतिपल सजग, प्रतिपल सावधान, कदम कदम फूक फूक के चलना है। कब कौन सी माया कहां से आ जाए, दाएं से बाएं से पीछे से आगे से, पता नहीं। तो दूसरा काम अनुभव, स्मृति अर्थात अनुभव, स्मृति अर्थात रियलाइजेशन। तीसरा क्या करना है, स्मृति का स्थिति का, स्मृति का नशा हो, बाबा ने कहा। स्मृति का क्या हो तुमको, रूहानी नशा, अपने आप को ही नशा चढ़ाना है, अपने आप को ही नशे में लाना है। जैसे दो साधु थे, पूरे गांव में घूमते हैं, कहीं से उनको कुछ नहीं मिलता है, और आखिर में शाम को दोनों बैठते और कहते हैं कि चलो आज मानसिक भोजन कर लेते हैं। मानसिक भोजन, ध्यान में बैठते हैं, और थोड़ी देर के बाद एक साधु दूसरा साधु चिल्लाता है, होता क्या हुआ, कहता है बहुत तीखा लग गया, मानसिक भोजन। क्यों, क्या खाया, वो कहता है कड़ी पर उसमें मिर्ची थोड़ी ज्यादा थी। तुमने क्या खाया, वो कहता है मैंने तो बहुत अच्छा हलवा खाया, वाह 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 बहुत बढ़िया था। वो कहता है तो मुझे तो बहुत तीखा लगा, वो कहता है फिर तुमने तीखा डाला क्यों। वो कहता है क्या करूं, मेरे नसीब में ही नहीं है, बनाने वाले कौन, तुम कहां बना रहे हो, मन में, और दोष किसको देते हो, नसीब को। आई एम द मास्टर क्रिएटर, मनुष्य संकल्प की रचना है, तो मेरा भाग्य मेरे हाथ में। हम लिखते हैं भाग्य रोज, तो नशा, खुद ही खुद को नशा चढ़ाना है। चौथा, स्मृति में लवलीन हो जाओ। क्या कहा है मुरली में बाबा ने आज, स्मृति में क्या हो जाओ, लवलीन खो जाओ, इतना डूब जाओ उसमें। और डूबने के लिए समय चाहिए, और डूबने के लिए वही चिंतन, वही विचार, वही बार 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 पुनरुक्ति चाहिए। एक ही संकल्प, एक ही विचार, तभी उसमें डूबा जा सकता है, नहीं तो नहीं डूबा जा सकता। अगर कोई व्यक्ति एक ही प्रकार की किताबें पढ़ते रहे तो धीरे धीरे उन किताबों का उस पर असर हो जाता है। अगर वो केवल फाइटिंग की किताबें पढ़ते रहे दिन रात, तो एक समय आएगा कि तलवार उठा ही लेगा और निकल पड़ेगा दुश्मनों से लड़ाई करने। डॉन क्यूटी, फ्रेंच में एक पात्र है बड़ा प्रसिद्ध, वो पुराने जमानों के राजाओं की किताबें पढ़ते रहता दिन रात 10-20-30 साल तक, और फिर एक दिन उसको ऐसा नशा चढ़ जाता है कि मैं ही वो राजा हूं, और पूरा अपना ड्रेस बनाता है और तलवार, और अपने साथी भी एक ले लेता है कमांडर इन चीफ, और उसको लेके घूमता है। कॉमेडी सीरियल है बच्चों का, परंतु दिखाया है, जहां देखो वहां लड़ाई करना चालू करता है, वहां पर भेड़ चल रही है उसको लगता है दुश्मन है और जाकर आक्रमण करता है।
कहीं झाड़ है, कहीं हवा ही पंखा है, उसको जाके वार करता है, उसको चोटें लगती है। तो दिखाया गया कि एक व्यक्ति दिन रात जब एक ही चीज पढ़ते रहता है, पढ़ते रहता है, पढ़ते रहता है, तो धीरे धीरे वो पात्र उसके मस्तिष्क में घुस जाता है और वो वैसे ही करने लगता है। अगर ये संसार में हो सकता है तो इधर भी हो सकता है। दिन रात अगर कोई इसी नशे में रहे और डूबा रहे तो नशा कम ही नहीं होगा फिर। और पांचवा, स्मृति स्वरूप, एम्बॉडीमेंट, उसका स्वरूप बन जाना। तो स्मृति का रिविजन, स्मृति का रियलाइजेशन, स्मृति का नशा, स्मृति में खो जाना, डूब जाना, वही चिंतन बार 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 बार, अलग अलग ढंग से, एक ही तरीके से नहीं, अलग अलग ढंग से, तो कुछ तो होगा चेंज। तो स्मृति के विषय में ऐसी पांच बातें कही है। और वो दूसरी पांच बातें, बाबा हमको क्या याद दिला रहे हैं? नाम, तुम कौन? रूप, तुम्हारा रूप क्या? गुण, तुम्हारे गुण क्या? कर्तव्य क्या? और लास्ट, देश, घर जाना है, अधिकारी बनकर स्वर्ग में आने की हिम्मत। और यहीं पर कौन सी कला? संगम युग पर वो लोग एक कला सिखाते हैं, बाबा दूसरी कला सिखाते हैं। कौन सी? दुनिया के लोग कौन सी कला में माहिर है, माहिर या सिखाते हैं? मरने की। और यहां बाबा सदा खुश रहने की। वैसे तो मरने की कला भी सिखाते हैं, पर आज की मुरली में मरने की कला तो ज्यादा सिखाते हैं। सदा खुश, किसी को लॉटरी लगती है तो कितना खुश हो जाता है, और तुमको क्या लगी है? कितनी बड़ी लॉटरी लगी है। एकांत में बैठकर ये याद करना, मुझे बाबा ने क्या क्या टाइटल दिए, नाम क्या है, मेरा रूप क्या है, क्या ये शरीर मेरा रूप है या कुछ और, क्या इसी में अटका हुआ हूं या इससे परे भी कोई सत्य है, गुण, मेरे गुण क्या है। वर्तमान में नेगेटिविटी दिख रही है, परंतु ये वास्तव में मेरे गुण नहीं है, ये ऊपर ऊपर के थोपे हुए है, बोरोड है, लिए हुए है, मेरा वास्तविक रूप नहीं। बाबा ने कहा रावण की प्रॉपर्टी है, तुम्हारी नहीं। नाम, रूप, गुण, कर्तव्य। कर्तव्य क्या है? क्या कर्तव्य है? देना। किसी समुद्र तट पर एक बच्ची खेलते खेलते बेहोश हो पड़ती है, भीड़ जमा होती है, और एक नवयुवक आता है, कहता है हटो हटो, मुझे पता है कैसे करना रिससिटेशन, जो CPR करते हैं, चेस्ट कॉम्प्रेशन, माउथ टू माउथ ब्रीदिंग, वो सारी कुछ चीजें उसमें है। वो कहता है हटो हटो हटो, मुझे आता है, सब लोग हटो, और वो सब कुछ करता है और उस बच्ची को बचा लेता है। सब लोग तालियां बजाते हैं। एक बूढ़ा व्यक्ति भी होता है वहां, वो दूर से देख रहा होता है, और वो भी जाता है भीड़ में, पर उसको भी ये व्यक्ति बाजू कर देता है, और वो बूढ़ा व्यक्ति बाजू भी हो जाता है और चुपचाप खड़े रखे देखते रहता है। सब लोग तारीफ कर रहे हैं उस नवयुवक की जिसने उस बच्ची को बचा लिया। थोड़ी देर के बाद ये जो नवयुवक है, धूप बहुत है, समुद्र तट है, वो खुद ही बेहोश होकर गिर पड़ता है। और थोड़ी देर के बाद जब आंख खोलता है तो देखता है वो एम्बुलेंस में है, और वही बूढ़ा व्यक्ति बाजू में बैठा है, उसकी नाड़ी पर हाथ रखे हुए, और उसे पता चलता है कि ये बूढ़ा व्यक्ति डॉक्टर है। वो व्यक्ति उस डॉक्टर से कहता है, उस बूढ़े से, कि आपने वहां क्यों नहीं बता दिया कि आप डॉक्टर है? वो बूढ़ा व्यक्ति कहता है मैं डॉक्टर इसलिए नहीं बना कि प्रसिद्धि पाऊं। उस समय उस बच्ची को बचाना महत्वपूर्ण था और तुम वो काम कर रहे थे। कर्तव्य उस समय ये था उसको बचाने का, ना ही
प्रसिद्धि को पाने का। इसलिए तुमने जो किया अच्छा किया। वो व्यक्ति कहता है, वैसे तो देखा जाए आपने आज दो जीवन बचाए हैं, तो ब्राह्मणों का कर्तव्य क्या है? आत्माओं को बचाना। संसार कहां डूब रहा है? दुखों में। संसार दुख में और हम भी दुख में चले जाए तो भगवान को न पाने वाले भी दुखी और भगवान को पाने वाले भी दुखी, और कारणों से। कौन किसको बचाएगा? वो संसार के दुखों से दुखी है, पुरुषार्थ से दुखी। दुख सेम है, कारण भिन्न भिन्न है। कर्तव्य और फिर देश, हमें जाना है। यहां का कुछ अच्छा ना लगे। अध्यात्म रामायण में दिखाया है श्री राम की अवस्था। राम जब अपनी शिक्षा लेकर वापस आता है, वशिष्ठों से ले जाते हैं, आश्रम में रखते बचपन से, और युवा होते तो वापस आता है, और राम देखता है सब लोग श्रृंगार कर रहे हैं, खा रहे हैं पंच पकवान मिष्ठान्न। वो देखकर राम को पीड़ा होती है, अंदर का वैराग ऐसा है कि मना करता है ये सब चीजों के लिए, उसे नहीं चाहिए ये, रिजेक्ट करता है उसका माइंड, उसका शरीर, ये भोग विलास नहीं चाहिए। तो ये मुरली का पहला भाग है, यहां तक। अब आते हैं मुरली के दूसरे भाग पर, माया जीत। माया जीत का झंडा कैसे लहराए, क्या क्या कहा इसके लिए, क्या क्या कहा? माया जीत का झंडा कैसे लहराए, क्योंकि गल्फ वार चालू है, सारा संसार हलचल में है, त्राही त्राही हाहाकार हो रहा है, सारे जहां देखो वहां वही चर्चा चालू है। आज इतने मरे, आज उतने मरे, आज ये मिसाइल, आज वो मिसाइल, आज यहां बॉम्ब, आज वहां बॉम्ब। लीडर्स की पोजीशन, एक तरफ 35 देश, एक तरफ एक इराक। इराक की हार हुई वो दूसरी बात, पर चर्चा चलती है जब इस तरह के होते हैं। और भगवान क्या कह रहा है, तुम्हें माया जीत का लंड झंडा अगर अंदर लहराना है तो सबसे पहला काम दिल में कौन हो, दिल में साथ बाप का, सेवा में साथ बाप, और तीसरा स्थिति में साक्षी। कुछ भी हो जाए आश्चर्य नहीं, क्वेश्चन मार्क नहीं तो क्या हो फिर, नथिंग न्यू, जो कुछ हो रहा है नया कुछ भी नहीं। जो घटना पहले ही हो गई है उसकी स्मृति में लाने से हलचल नहीं होती, जो हो रहा है वही होना चाहिए। इतना अच्छा वाक्य है, कोई मॉडिफिकेशन की जरूरत नहीं है, कुछ भी छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है, जो हो रहा है वही सत्य है। और तुम क्या करो, साक्षी होकर देखो। साक्षीपन की सीट, बेफिक्र बादशाह का सिंहासन, नथिंग न्यू की स्मृति। किस किस में नथिंग न्यू, ये चिंतन का विषय है। किस किस में नथिंग न्यू, किस में? सबसे पहला परिस्थिति है, इसमें कुछ भी नया नहीं है, जरा भी आश्चर्य करने की बात नहीं है, पहला। दूसरा व्यक्ति, व्यक्ति और व्यक्ति का व्यवहार, अचानक मित्र शत्रु हो जाता है, शत्रु मित्र हो जाता है, यही संसार रहा है। इस संसार का कोई भरोसा नहीं है, किस पर भरोसा करें? अभी अभी दोस्त है और अभी अभी दुश्मन। व्यक्तियों के रंग बदलते हैं गिरगिट की तरह, एक भगवान ही है जो एक रस है शुरुआत से, या कभी बदलता है, कभी नहीं बदलता।
दूसरा व्यक्ति और व्यक्तियों के व्यवहार से आश्चर्य नहीं। अभी अभी स्तुति, अभी अभी निंदा, अभी अभी निंदा और फिर अगले क्षण स्तुति। कोई ठिकाना नहीं है स्तुति और निंदा का। तीसरा माया और माया के भिन्न भिन्न रूप, कोई आश्चर्य नहीं। नए नए तरीके से माया आती है, माया में कितना क्रिएटिव पावर है। एक मेथड फेल हो गई तो दूसरी मेथड, दूसरी फेल तीसरी। निरंतर एकांत में बैठकर चिंतन करती है माया, जो कर ब्राह्मणों को करना चाहिए, क्योंकि माया भी मुरली सुनती है। तो जो पॉइंट ब्राह्मणों के लिए होती है, माया उसको सुन लेती है और तुरंत एक्शन में लाती है। बाबा ने कहा एकांत में जाकर ज्ञान का चिंतन करो, माया तुरंत ब्राह्मणों की कमियों का चिंतन चालू करती है। इसमें पवित्रता बहुत अच्छी है, इस पर आक्रमण नहीं किया जा सकता है। और कहा इसका अमृत वेले को तो कोई हाथी नहीं लगा सकता। मुरली चिंतन तो दूर भागो इससे, कुछ तो होगा, कोई तो कमी होगी। हाँ, कोई इसको कुछ कहता है तो बुरा लगता है, बस इसी को पकड़ो। इसको रोना जल्दी आता है, बस वहीं पे पकड़ना है, और भयभीत जल्दी होता है, बस इस पॉइंट को पकड़ना है। माया ने हमारी कमी और कमजोरियों पर पीएचडी कर रखी है, एक एक पॉइंट का विश्लेषण किया है, कहां और कितने बजे और कितना देर तक माया आती है, और बराबर वहां पर आक्रमण करती है। अंग्रेजी में शब्द है अकिलीज हिल। अकिलीज नाम का यूनान में एक युवक था, उसकी मां ने बचपन से ही उसको एड़ी को पकड़ के, जब छोटा सा बालक था, एक नदी में डुबो दिया। वज्र का बन गया शरीर, कोई उसे मार नहीं सकता था, पर वो जो एड़ी थी उसकी, उतना भाग रह गया था। और ट्रोजन के युद्ध में एकिलीस के शत्रुओं को वो पता चल गया कि इसकी जो एड़ी है ना, इस पर ही आक्रमण करना चाहिए, बस वहां पर आक्रमण किया जाता है और वो मरता है। अब तक उसे कोई हरा नहीं सकता है। उसी तरह नेपोलियन जब छोटा सा बालक था, पालने में था, उसकी दाई जो थी थोड़ी देर के लिए बाहर चली गई और एक बिल्ली ने आक्रमण कर दिया। कुछ हुआ नहीं, दाई आ गई, पर उस छोटे से बालक के मन में एक भय रह गया। कौन सा? बिल्लियों का। नेपोलियन कभी नहीं हारा, जीवन भर जीतता ही गया, जीतता ही गया, जीतता ही गया, पूरे फ्रांस का सम्राट बन गया। और अंतिम जो निर्णायक युद्ध था वाटरलू का, उसके दुश्मनों को पता चल गया इसको भय किससे है, बिल्लियों से, तो 20 बिल्लियां लेके आता है। और युद्ध के समय नेपोलियन पर छोड़ देता है और नेपोलियन की पराजय होती है, द फॉल ऑफ नेपोलियन, क्योंकि कमी को उसने पकड़ लिया। इसलिए निरंतर अपने आप को देखते रहना कि मेरे में कौन सा पॉइंट है, डूबती रग जिसको दबाते ही यहां से आंसू आते हैं। हमने अपने मूड का रिमोट पता नहीं कितने लोगों के पॉकेट में डाल के रखा है। वो उधर से दबाता है तो खुशी, वो दूसरा उधर से दबाता है तो आंसू, फिर दूसरा दबाता है वापस खुश, तो वापस खुश। वो कहता है लो तुम्हारा रिमोट, रखो तुम। हम कहते नहीं, तुम ही रखो, अच्छा लगता है। दुखी होना भी तो अच्छा लगता है। कहते हैं हमको दुख से छुड़ाओ, पर सबसे गहरी आसक्ति तो दुख से है। दुख नहीं रहा तो बेचैनी होती है। रोज सब आके 10 लोग आके तारीफ करते रहे, उसका कोई चिंतन नहीं। एक दिन कोई निंदा कर लेता, दिन रात उसका चिंतन, जैसे इंतजार ही था उस निंदा का, उस दुख का। तो आसक्ति किस में है? दुख में। और कहते क्या है कि हमें दुख नहीं चाहिए। तो नथिंग न्यू, किससे? माया। माया का कोई भी रूप आ जाए, नया नहीं है,
कुछ भी नया नहीं है। अगला प्रकृति, प्रकृति में जो भी हलचल हुई, आज की मुरली में गर्मी के लिए क्या कहा, बाबा ने क्या, गर्मी की तो सीजन में गर्मी होगी ना, माया की सीजन में माया तो आएगी ना। मार्केट किसका है, ओनर कौन है, बिजनेस किसना किसका चल रहा है, रावण राज है। हम क्यों समझते हैं कि सब राम जैसा व्यवहार करे, आदर्श सब त्यागी और तपस्वी हो जाए, ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता है। हे भारत के राम जगो, मैं तुम्हें जगाने आया हूं। अभी राम तो सोया है, रावण जगे हुए हैं। प्रकृति, कोई आश्चर्य नहीं, बहुत गर्मी बहुत गर्मी, उसको दोष नहीं देना है, उसकी कंप्लेंट नहीं करते हैं बैठना, उसके डिस्कशन नहीं करते बैठना, आज गर्मी बहुत थी, आज गर्मी बहुत थी। मुरली क्लास चालू है, ठीक है, और मुरली क्लास जैसे पूरी होती है और निकलते समय डिस्कशन कौन सी बात का होता है, पॉइंट्स का डिस्कशन होता है या जो अनाउंसमेंट हुई है उसका डिस्कशन होता है, या कोई आके डिस्कशन करता है आज का वरदान बहुत अच्छा था, ये क्या कह दिया स्लोगन में, बहुत ही जबरदस्त पॉइंट थी, या बहन जी ने कितनी अच्छी बात बता दी, ऐसा कोई डिस्कशन करता है या कुछ और ही डिस्कशन करते हैं, क्या करते है? हाँ, काम पूरा हुआ, चलो अब एक काम पूरा। नाउ नेक्स्ट प्रकृति, बहुत ठंड बहुत ठंड, बहुत बारिश बहुत बारिश, इतनी बारिश की हुई, हमको यहां जाना था, हमारा प्रोग्राम कैंसिल हो गया, ये हो गया वो हो गया, ऐसा हो गया वैसा हो गया। स्वीकार, स्वीकार करना। नेक्स्ट शरीर की बीमारियां, बीमारियां आ जाती है तो डर जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। हम देखते हैं फ्रैक्चर हो गया, वो कहता है नहीं मुझे सेवा के लिए जाना है, मुझे सेवा के लिए जाना है, और बेचैन रहते दिन रात, पर उठ नहीं सकते। अब जहां हो वहीं सेवा करो चुपचाप मनसा, उस फैक्ट को स्वीकार कर लेना तुरंत, इसको स्वीकार ही नहीं करते जल्दी कि यही सत्य है। कोई व्यक्ति मर जाता है, पति पत्नी स्वीकार नहीं कर पाते कितने सालों तक कि वो चली गई, वो चला गया, बच्चा चला गया, मानता ही नहीं मन। कोविड में कितने सारे लोगों के माता पिता एक साथ चले गए, एक साथ, पहले मां एडमिट हुई फिर पिताजी एडमिट हुए और कुछ ही दिनों में दोनों एक साथ चले गए, इतना जबरदस्त शॉक। कभी एक साल हो गया दो साल हो गया परंतु मन मानने को ही तैयार नहीं है, दुखी रहते हैं, उदास रहते हैं, नींद नहीं आती रात रात भर, वो दिखते हैं, उनकी यादें आती रहती है। स्वीकार, खेल चल रहा है, बाबा ने क्या कहा, साक्षी होकर देखो, रियलसल है, रियल की समाप्ति का क्या है साधन, ये तो रियलसल चालू है। मौत का बाजार तो गर्म होना अभी बाकी है, होलसेल मौत होगा, इन आंखों से जो कुछ देखते हो आंखों सहित कुछ भी बचेगा नहीं, कुछ भी नहीं। तो नथिंग न्यू किसके लिए, माया के लिए, नथिंग न्यू प्रकृति के लिए, नथिंग न्यू व्यक्ति के लिए, नथिंग न्यू स्थान के लिए। आज स्थान है कल नहीं रहेगा, आज हमारी जमीन है कल हमारी नहीं रहेगी, तो दुखी होगे। लोग जमीन के लिए कोर्ट केसेस लड़ रहे हैं, 10 साल हो गए 20 साल हो गए, 20 साल से ज्ञान योग जीरो हो चुका है, और 20 साल के बाद वो जमीन मिल भी जाए क्या करोगे उसमें, वो बेचैनी के संस्कार लेकर ही जमीन मिलेगी। जैसे व्यक्ति के पास घर नहीं होता है, अपना खुद का घर चाहिए, बेचैनी है, इतनी बेचैनी भरी हुई है, हमारा अपना घर चाहिए, क्योंकि कब तक भाड़े के घर से में रहेंगे। 5 साल लगाता है और फिर एक दिन अपना घर बन जाता है, घर तो मिल गया परंतु बेचैनी के संस्कार बन चुके हैं, नए घर में भी बेचैनी है। अब बेचैनी का क्या करोगे, वो तो है ही है, क्योंकि इट हैज बिकम अ संस्कार।
इसके लिए हिसाब किताब को भी क्या समझना है कि यात्रा समझना है। किसी व्यक्ति के साथ हिसाब किताब चल रहा है, रोज झगड़े, रोज विघ्न, रोज कोई टांग खींचता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, हम तो कुछ नहीं करते, कुछ दूसरे कर रहे। एक ही व्यक्ति के साथ हिसाब चल रहा है और हम दुखी है, और बाबा से योग तो है ही नहीं, फरियाद है बाबा इसकी ट्रांसफर कर दो बस, ये एक ही है कुछ भी करके। हम सोचते हैं कि वो पश्चाताप करेगा, वो सोचता है हम पश्चाताप करेंगे। जिसके लिए भी हम ये सोचते हैं कि उसको एक दिन पश्चाताप करना पड़ेगा, समझ लो वो भी वही सोच रहा है, क्योंकि हमारे प्रकंपन वाइब्रेशंस उस तक पहुंच रहे हैं, वो भी यही सोच रहा है कि इसको पश्चाताप करना पड़ेगा। तो नथिंग न्यू, स्थान आज है कल नहीं है, व्यक्ति आज है कल नहीं है, समय, समय भी एक है, नथिंग न्यू, समय बदलता रहता है, कुछ भी स्थिर नहीं है। अत्यंत दुख है आज, तुरंत सुख हो जाएगा, अत्यंत सुख है, दुख में परिणित होगा, सुख दुख, सुख दुख, सुख दुख, हार जीत, हार जीत, हार जीत होते रहेगा। नथिंग न्यू, साक्षी दृष्टा, बेफिक्र बादशाह, घबराना नहीं है, घबराने का तो संकल्प में भी घबराना नहीं है तुमको, आज की मुरली में बोला ना, तुमको तो संकल्प में भी घबराना नहीं है। घबराते कि वो साथ में कौन है तुम्हारे, पार्टियों से मुलाकात में ना, निश्चय बुद्धि अर्थात विजय, हार हो नहीं सकती, विजयी हो, बाप साथ है तो सफलता साथ है। तो संसार में कौन सा वातावरण चालू है, युद्ध का, और बाबा ने क्या कहा, आप तपस्या का प्रोग्राम बनाओ, क्या करो, स्वयं शांति की किरणें फैलाओ। आत्माएं बहुत दुखी है, यदि हम शांति नहीं देंगे तो कौन देगा। दादियों से कहा ना, कौन हो तुम देविया, ब्रह्मा की इतनी पूजा नहीं होती, शिव निराकार की भी नहीं, मातेश्वरी भी गुप्त, प्रत्यक्ष कौन है, तुम देविया, तुम्हारी पूजा हो रही है, भक्त तुम्हें पुकार रहे हैं, शांति दो। यदि हमें दूसरों को शांति देनी है तो सबसे पहला काम हमें खुद अंदर से शांत होना होगा। और जो व्यक्ति विकारों से ग्रसित है वो बेचैन होता है। हमारे अंदर विकार है ही है या नहीं है, उसका एक ही मापदंड है, विकार जगते ही व्याकुलता आती है। मन में विकार आया कि बाहर क्या आती है, व्याकुलता, बेचैनी आती है। शांत बैठे, जैसे क्रोध उत्पन्न हुआ व्याकुलता आती है, जैसे काम का संकल्प आया, व्यक्ति एक जगह नहीं बैठता है, कुछ तो करना है फिर उसको। ईर्ष्या आई तो जिसके प्रति ईर्ष्या आई उसे गिराने का षड्यंत्र, लोभ हुआ, मोह हुआ, कुछ भी, व्यक्ति बेचैन हो जाता है। इसके उलट यदि बेचैनी है, अर्थात क्या है, अंदर विकार है, क्या करे फिर, इस बेचैनी को भी साक्षी होकर देखना है। ये बेचैनी भी कोई कंटिन्यूअस नहीं रहेगी, अभी है चली जाएगी, यह भी एक बहुत अच्छा अभ्यास है। अपने मन में जो भाव उत्पन्न हो रहे, विचार, इमोशंस, उनको भी दूर से देखना, ये क्या है। जैसे ये शरीर एक झाड़ है, मन उस पर पंछी आ रहे, पंछी कौन से, विचारों के, विचार पंछी है, झाड़ पर बैठते हैं, थोड़ी देर के बाद चले जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जो भी विचार आया उसको सीधा कर्म तक लाना है, रुको, क्या करना, उसको साक्षी होकर देखना। जैसे सड़क के किनारे बैठकर अभ्यास करो, सड़क के किनारे खड़े हो जाओ और देखो क्या हो रहा है, व्हीकल आ रही है, व्हीकल जा रही है, ट्रैफिक, गाड़ी आ रही है, गाड़ी जा रही है, ये अभ्यास करना कल, दूर से बैठ के देखो, लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं, लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं, और वो देखते देखते आंखें बंद करके अंदर जाओ और मन के विचारों को देखो, विचार आया विचार गया, विचार आया विचार गया, मैं भिन्न हूं राजा, ये मन मंत्री, मैं अलग, मैं साक्षी, एक अभ्यास। दूसरा, बादलों को देखो, आसमान में बादल है, बादल आते बादल चला जाता है, आसमान हिलता है, अचल है आसमान, अचल घर, चंचल घर नहीं है। तीसरा, नदी अगर बह रही है, तरंगों को देखो,
या एक पत्थर डालो तालाब में, क्या होता है? थोड़ी देर के लिए तरंगे उठती है, फिर शांत हो जाती है, परमानेंट नहीं है। उसका स्वभाव निस्तरंग झील है। वैसे मन भी एक झील है, जैसे ही विचार उसमें पड़ता है तरंगे उठती है, और विकार यदि पड़ा तो जोरदार तरंगे, और उसको शांत होने के लिए टाइम लगता है कभी कभी। ये बड़ा गहरा, बड़ी गहरी साइकोलॉजी है। हमें सबसे ज्यादा अध्ययन अपना करना है, अपने विचारों का, अपने इमोशंस का, अपने फीलिंग्स का, अपनी कमियों का, अपने कमजोरियों का। कब और किस समय मैं कमजोर हो जाता हूं? हो सकता है अधिकतर समय तो मैं शक्तिशाली हूं, पर हो सकता है 24 घंटे में 5 मिनट कोई आते हैं ऐसे, कोई एक इमोशन, कोई एक व्यक्ति अचानक आ जाता है 10 साल पुराना, जो कभी माया थी था और अचानक सामने आ गया, वही स्थिति जो 10 साल पहले थी दुख की फिर से प्रकट होती है। इसलिए साक्षी भाव, साक्षी होके देखना। किसको देखेंगे? अपने विचारों को, इमोशंस को। आ रहे जा रहे, आ रहे जा रहे, थोड़ी देर रुकते चले जाते, सीधा एक्ट नहीं करना है। और क्या कहा आज की मुरली में बाबा ने? और क्या कहा? एक तो ये भाग था, पहला भाग ब्रह्मा वाला स्मृति का, और दूसरा भाग हलचल में अचल कैसे रहे, स्थिर कैसे रहे। इसके अलावा दर्पण और चेहरा क्या बन जाए? चित्र, चैतन्य चित्र बन जाए, दर्पण बन जाए। और दादी के लिए भी कहा ना, अच्छा है बीमारी आई, थोड़ा सा रेस्ट। और शरीर कैसा चल रहा है? आदि रत्नों का, दुआओं से, और किससे? शुभ भावनाओं से। तो पुण्य कर्म करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है। जितने पुण्य कर्म होंगे परिस्थितियों में काम आएंगे। जिसने हजारों आत्माओं को सुख दिया है और उसके जीवन में अगर माया आ जाती है तो वो पुण्य कर्म का बल काम आता है वहां पर, और कोई रिश्तेदार मित्र संबंधी काम नहीं आते। और जब परिस्थिति आती है, एक अनुभव सबका होगा, हम अकेले हो जाते, कोई मदद नहीं करता है, सब मतलब के साथी। एक व्यक्ति था, दारू पीता था, एक बार चोरी करने जा रहा था, हार में फूलों का गुलदस्ता था, पुल से गुजर रहा था, अचानक एक फूल नीचे गिरता है तालाब में, पुल से गुजर रहा है, फूल नीचे गिरता है। वो कहता है फूल तो अब गिर ही गया, अब लू कैसे? तो कह देता है गोविंदा स्वाहा। डेथ होती है, ऊपर पहुंचता है, यमराज पूछता है कोई पुण्य? कहता है मुझे तो याद नहीं, परंतु वो कहता है लेट मी चेक, एक पुण्य तो जरूर किया है, गोविंदाय नमः का है। तो तुमको 5 मिनट के लिए स्वर्ग मिलेगा, बाकी टाइम नरक, पहले क्या चाहिए? वो कहता है स्वर्ग। स्वर्ग में पहुंचता है और वो पहला काम क्या करता है? मुझे 2 सीजर चाहिए बड़ी बड़ी, और जितने फूल थे वहां पर एक एक को कट करता है, गोविंदा स्वाहा, गोविंदा स्वाहा, गोविंदा स्वाहा। 5 मिनट में इतना सारा कर देता है, उसका इतना पुण्य जमा होता है कि नर्क कैंसल। पुण्य कर्म पापों को काटते हैं। इसके लिए मधुबन में आए हो और मधुबन में सेवा में आए हो तो सोचो मैं किसकी सेवा कर रहा हूं, किसकी सेवा के लिए आया हूं। अपने विचारों को, भावों को बहुत बहुत ऊंचा उठा दो। मैं विश्व की स्टेज पर हूं, संसार की श्रेष्ठतम आत्माओं की सेवा कर रहा हूं, जिनकी मंदिरों में पूजा हो रही है। ये हनुमान बैठे हैं यहां, ये गणेश बैठे हैं यहां, ये शंकर जी बैठे हैं ध्यान मग्न, और देवियां भी है, संतोषी मां, काली मां, सारे मंदिर उधर खाली हो चुके, इधर बैठ गए आके। ऐसे कैसे कैसे ऐसे फरिश्ता सो देवता आत्माओं का ये लक्ष्य है तुम्हारा। ऐसे भाग्यवान के भाग्यवान पद्मा पदम भाग्यवान आत्माओं को ऐसे ऐसे
रिविजन करने वाली आत्माओं को, रिवाइज करने वाली आत्माओं को, रियलाइज करने वाली आत्माओं को, नशे में रहने वाली आत्माओं को, खो जाने वाली आत्माओं को, मगन रहने वाली आत्माओं को, ऐसे स्मृति स्वरूप आत्माओं को, ऐसे समर्थ आत्माओं को, ऐसे ऐसे चैतन्य चित्रों को, ऐसे बेहद के वैरागी के सिंहासन पर विराजमान आत्माओं को, ऐसे साक्षी दृष्ट आत्माओं को, ऐसे जिनके दिल में बाप है और जिनकी सेवाओं में बाप का साथ है, ऐसे नथिंग न्यू में स्थित आत्माओं को, ऐसे घबराने नहीं वाले आत्माओं को, मन से भी घबराना नहीं, संकल्प में भी घबराना नहीं, ऐसी आत्माओं को, ऐसे गोविंद भक्ति में कहते श्री कृष्णार्पणम मस्तु शिव संकल्प मस्तु। वो व्यक्ति कहता है क्या करूं, मेरी कड़ी बनाई उसमें मिर्ची ज्यादा पड़ गई। अरे बनाई किसने? तुमने ना। शिव संकल्प तन्मय मनो शिव संकल्प मस्तु, तन्मय मना शिव संकल्प उत्पन्न करो, शुभ संकल्प। तो ऐसे शुभ संकल्प उत्पन्न करने वाली आत्माओं को, ऐसे ऐसे संकल्प की नई नई रेसिपी बनाने वाली आत्माओं को ऐसे संसार को शांति का सहयोग देने वाली आत्माओं को, ऐसे शांति की किरणें फैलाने वाली आत्माओं को, ऐसे मास्टर सर्वशक्तिवान आज की मूल्य में है, ऐसे हाँ श्रेष्ठ कर्तव्य करने वाली, नाम रूप कर्तव्य देश को स्मृति में रखने वाली आत्माओं को, ऐसे सीट में सीट रहने सेट रहने वाली आत्माओं को, ऐसे ऑर्डर करने वाली शक्तियों को, ऑर्डर करने वाली आत्माओं को, निश्चय बुद्धि आत्माओं को, विजयी आत्माओं को, सफलता मूर्त आत्माओं को, ऐसे बेफिक्र बादशाहों को, ऐसे पैसे की चिंता नहीं करो, बाप माला माल बैठा हुआ है, वो सोचेगा तुमको क्या चाहिए, कब चाहिए, कितना चाहिए, ज्यादा चाहिए तो ले लेगा, अगर तुम्हारे पास ज्यादा है तो, ज्यादा है तो ले भी लेगा, अगर नहीं है तो दे देगा, शरीर चला जाए खुशी न चाहे। तो ऐसे ढेर सारे समानों वाली आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। ओम शांति।